हेलो दोस्तों, सो आईफोन तो हमारे पास आ गए और एप्पल ने अब ये भी कर दिया है कि डुअल सिम का ऑप्शन भी दे दिया। लेकिन डुअल सिम होने के बावजूद हम डुअल सिम हम अपने आईफोन में नहीं यूज कर सकते। बताओ कैसे? वो ऐसे क्योंकि हमारे फोन्स और मैसेजेस तो अलग आते हैं, लेकिन व्हाट्सएप का क्या? हमको दोनों सिम में अलग अलग व्हाट्सएप चाहिए, जो एप्पल समझता ही नहीं है। अब एंड्रॉयड ने ये चीज बरसों पहले समझ के हमको डुअल ऐप या जो क्लोन एप्स बोलते हैं वो तो हमको दे दिया, लेकिन एप्पल ने नहीं दिया। लेकिन वरी नॉट माई फ्रेंड्स, क्योंकि उसका भी अब सोल्यूशन आ चुका है और ये लीगल सोल्यूशन है। कोई जेल ब्रेक करने की जरूरत नहीं है, कोई ऐसे ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, कोई ऐसे ऐप स्टोर्स डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है जिनके वजह से बैटरी का कंजम्पशन ज्यादा होता है। तो ऐसे बहुत सारे ऐप्स है जो आप डाउनलोड कर सकते हो जो फेक एप्स होते हैं और उनमें आपका बैटरी कंजम्पशन हेविली इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन आज जो आपके पास में सोल्यूशन लेके आ रहा हूं वो बहुत सिंपल सोल्यूशन है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आ सकती है और आपके आईफोन में आप दो सिम भी यूज कर सकते हो, अगर आपके पास 10s या 11 अगर है तो, या फिर अगर आपके पास पहले वाला आईफोन भी है तो आप कुछ नहीं तो दो व्हाट्सएप तो जरूर यूज कर सकते हो इस पर्टिकुलर वीडियो को देखने के बाद। सो दोस्तों, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूं डुअल व्हाट्सएप यूज करने के लिए। आई होप आप भी उतने ही एक्साइटेड होंगे। तो एक भी सेकंड वेस्ट किए बिना चलते हैं सीधे हमारे वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, ये हो गया मेरा आईफोन, आप देख सकते हो आईफोन 10 है और इसमें आप दो व्हाट्सएप भी देख सकते हो, ये नंबर 1 व्हाट्सएप, ये नंबर 2 व्हाट्सएप। अब ये कैसे वर्क करेगा वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको आना है App Store में, यहाँ पे आपको सर्च करना है WhatsApp। जैसे WhatsApp सर्च करोगे सबसे पहले आपको WhatsApp Messenger मिल जाएगा, जो ऑफकोर्स आपको इंस्टॉल कर देना है। उसके बाद आप अगर जैसे नीचे आओगे तो आपको एक और WhatsApp मिलेगा जिसको हम बोलते हैं WhatsApp Business, तो आपको ये भी इंस्टॉल कर देना। ये दोनों एप्स आप साइमल्टेनियसली यूज कर सकते हो और वो भी लीगल तरीके से, इसमें आपकी कोई भी बैटरी ड्रेन भी नहीं होगी इसमें। तो कहने के लिए तो WhatsApp Business है ये, लेकिन आप अपना पर्सनल नंबर भी इसमें डाल सकते हो और दोनों नंबर्स को आप यूटिलाइज कर सकते हो। तो आइए आप देखते हैं कि WhatsApp Business से हम पहले मैसेज भेज के देखते हैं। तो एक मैं हाय का मैसेज डाल देता हूं यहाँ पे, तो आप देख सकोगे कि मेरे दूसरे व्हाट्सएप में मैसेज आ गया है और जैसे मैं उस व्हाट्सएप पे क्लिक करता हूं तो अब मेरा दूसरा व्हाट्सएप खुल चुका है। यहाँ पे मैं हे करके लिख के दे देता हूं और सेंड करता हूं, तो अगेन ये दूसरे जो व्हाट्सएप बिजनेस है उसमें जाके ये मैसेज आएगा। तो मेरे दोनों ही व्हाट्सएप चालू है और दोनों ही मैं एक दूसरे को मैं मैसेजेस भी कर सकता हूं। जैसे मेरा व्हाट्सएप चलता है वैसे ही दोनों ही व्हाट्सएप चलेंगे। और जैसे आप नॉर्मल अपना व्हाट्सएप सेटअप करते हो वैसे ही व्हाट्सएप बिजनेस भी सेटअप करना है, कोई फर्क नहीं है। सिर्फ आपकी जो बिजनेस सेटिंग्स है वो आप यहाँ पे एडिशनल डालना चाहो तो डाल सकते हो। और बिजनेस प्रोफाइल में आप कोई भी ये प्रोफाइल सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन मैंने नॉट अ बिजनेस सिलेक्ट किया क्योंकि मेरा ये पर्सनल नंबर है। इसके सिवाय आपकी सारी सेटिंग सेम ही रहेगी जो नॉर्मल हमारे व्हाट्सएप मैसेंजर की रहती है वही। तो ऐसे दोस्तों आप दोनों व्हाट्सएप साथ में यूटिलाइज कर सकते हो। अगर आपको ये जानना है कि मेरे पास दो फेसबुक कैसे हैं और दूसरे कौन से ऐप्स जो मैं डुअल फॉर्म में यूज कर सकता हूं या क्लोन फॉर्म में यूज कर सकता हूं, तो यहां ऊपर एक मैं वीडियो का कार्ड डाल देता हूं, आई बटन पे क्लिक करके आप वो वीडियो भी चेक कर सकते हैं। पीस, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।